सुनीति, सुनीति वो जो हमारे लिए बहुत लाभदायक है, जो हमारे हित में है। और बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमारे हित में होता है उसमें रुचि कम होती है, ऐसा हो जाता है, क्योंकि ऐसा मन है जो छोटे छोटे और टेम्पररी, जो अस्थाई है, अनित्य है, उन सुखों को ढूंढने में ही बहुत अपना पूरा समय वही चला जाता है। तो वो सुरुचि के कारण है। और सुनीति जो है वो शुरू में अगर नहीं भी दुख बहुत प्लेजेंट और खुशी देने वाली, पर आगे चल के हमें कंफर्टेबल रहना है तो सुनीति होनी चाहिए जीवन में। उदानवाद जी की दो रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का बेटा है, उसका नाम है ध्रुव, और सुरुचि का बेटा है उत्तम। सुरुचि से हमें सब चीज उत्तम लगती है ना, जो हमारी जिस चीज में रुचि है हमें वो उत्तम लगती है। और जो सुनीति है, ध्रुव का मतलब होता है, एक ध्रुव तारा कहते हैं ना आसमान में, जो ध्रुव तारा है, ध्रुव लोक है, तो ये उन्हीं की कहानी है। तो कैसे वो गाइडिंग लाइट होता है, ध्रुव तारा क्या करता है, एक फोकल पॉइंट है, गाइडिंग लाइट है। तो सुनीति के द्वारा हम उस गाइडिंग लाइट से अपने रास्ते बना सकते हैं, तो ये चॉइस है हमारे पास। तो राजा उतानपाद के पास भी ये दो क्वींस मीन्स ये दो चॉइस है हम सबके पास। तो खैर, कहानी जो है वो इस तरह है कि राजा को सुरुचि से बहुत प्रेम है, और सुनीति जो उनकी रानी है उनको वो बहुत इग्नोर करते हैं। वो अलग से एक अकेली पड़ी रहती हैं, कोई उनका ध्यान नहीं करता, राजा उनको अपने पास नहीं बुलाते, उनके साथ कुछ समय नहीं बिताते, अपना पूरा ध्यान सुरुचि पे है और सुरुचि उसका फायदा उठा रही है। तो एक दिन राजा अपने राजमहल में, राज दरबार में बैठे हुए थे, और इस समय ध्रुव जी की उम्र 5 साल की थी, 5 साल के छोटे से बालक, और उत्तम की उम्र भी लगभग थोड़े छोटे थे ध्रुव से। तो सुरुचि और उतानपाद जी राज दरबार में बैठे थे और पिता की गोद में उत्तम बैठा हुआ था। तो ध्रुव जो छोटे से बालक थे, उन्होंने देखा पिता की गोद में मेरा भाई बैठा है, तो वो भी दौड़ के गया कि मैं भी पिता की गोद में बैठूंगा। तो उतानपाद जी सुरुचि से डरते थे, तो सुरुचि को सब अच्छा लगना चाहिए वही वो करते थे। तो डर के कारण उन्होंने ध्रुव को अपनी गोदी में नहीं बैठने दिया, हटा दिया। तो ये देखकर सुरुचि को बड़ी हिम्मत मिली और उसने बहुत कठोर शब्द उस छोटे से बालक को कहे, कहा कि अगर तुमको पिता की गोद में बैठना है तो तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। सुरुचि के बेटे बनोगे तो ही तुम्हें ये अधिकार प्राप्त होगा, तुम जाओ यहाँ से। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि उस बालक के दिल पे क्या ठेस लगी, कितना सेंसिटिव होता है छोटे बच्चों का मन। तो वो इतना उसको इतना दर्द महसूस हुआ, वो रोता रोता अपनी माँ के पास गया। माँ तो वैसे ही दुखी रहती थी, निग्लेक्टेड रहती थी, तो जब उसने देखा मेरे छोटे से बच्चे के ऊपर भी इतना बुरा व्यवहार हो रहा है और वो इतना दुखी हो गया है, तो माँ भी रोने लगी। लेकिन ध्रुव ने कहा, ध्रुव को बहुत गुस्सा आ रहा था, तो अपने बालक को क्रोध करते देखकर सुनीति तो बहुत समझदार औरत थी, तो उसने ध्रुव को कहा, तुम चिंता मत करो, तुम अपनी सौतेली माँ की बात को अपने दिल पे मत लो, और तुम केवल प्रभु की इच्छा करो, तुम नारायण भगवान की भक्ति करो, उनसे प्रार्थना करो, तुम्हारे दुखों को दूर करेंगे, और तुम भगवान को पाने की चेष्टा करो, तुम पिता की गोद की चेष्टा छोड़ दो,
ये जिद छोड़ दो, तुम भगवान को पाने का मार्ग ढूंढो। तो ये सुनकर एक 5 साल का बालक, इतना इनोसेंट, तो उसने घर छोड़ के जंगलों में चला गया। उसने कहा मैं अब भगवान को पाकर ही घर वापस जाऊंगा और भगवान को कहूंगा कि मुझे इतना ऊंचा स्थान दो जो मेरे कुल में किसी को ना मिला। जब हमारे अहम भाव को कभी कभी ठेस पहुंचती है तो हम बहुत इस जिद में आ जाते हैं कि हम बहुत ऊंचा कुछ ओहदा पाए ताकि दुनिया को हम दिखा सके मैं कौन हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। ये मैं भाव जाग जाता है। तो ध्रुव के अंदर भी ये मैं भाव जागा हुआ था। तो लेकिन उन्होंने सोचा मैं भगवान को ढूंढूंगा और भगवान से यही कहूंगा और मेरा काम हो जाएगा। तब नारद जी आए वहां पर। हमारे नारद जी तो आप याद है ना, आपको हर जगह आते हैं, हर समय गाइड करने आते हैं। तो उन्होंने देखा ये इतना भोला भाला बच्चा जंगलों में घूम रहा है, तो नारद जी ने उसको बहुत समझाने की कोशिश की कि तुम जाओ अपने घर, अभी तुम बहुत छोटे हो, और तो क्या हो गया अगर तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हें कुछ कठोर शब्द कह दिए। ये मान अपमान ऐसी चीजें कुछ होती नहीं है, तुम इसमें अपने मन को मत फंसने दो। कोई नहीं है जो तुम्हें कुछ भी कहकर तुम्हारा अपमान कर सकता है। तो बहुत तरीके से उसको समझाने की कोशिश की। तो ध्रुव जी ने कहा कि आपकी बातें बहुत अच्छी है लेकिन मेरे दिल में चोट पहुंची हुई है और मेरा दिल इतना घायल हो गया है और अब मेरे अंदर ये ज्ञान बैठ नहीं रहा जो आप मुझे ज्ञान दे रहे हो, संदेश दे रहे हो, मैं इसको नहीं ग्रहण कर पाऊंगा, मुझे तो आप रास्ता बताओ। और उन्होंने कहा देखो आप कैसे कह सकते हो कि भगवान को पाना कठिन है, देखो मैं थोड़ी ही देर में आपको पा लिया, मैंने इतने बड़े साधु का मुझे सत्संग मिल गया, जिसको सत्संग मिल जाता है उसको तो भगवान मिल ही जाते हैं। तो देखो कितना इंटेलिजेंट था वो बच्चा। तो नारद जी समझ गए कि ये बालक मेरी बात नहीं सुनने वाला। तो नारद जी ने फिर उन्हें मंत्र दीक्षा दी और कहा तुम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये महामंत्र है। तो नारद जी ने ध्रुव को ये महामंत्र दिया और कहा कि तुम अब यहां से मधुबन चले जाओ, वहां पर यमुना के तट पर बैठकर 3 बार दिन में स्नान करके और बहुत कम भोजन खाके, बहुत कम आहार पे रहकर हर समय इस मंत्र का जाप करो और प्रभु के रूप का चिंतन करो। तो उन्होंने बहुत सुंदर इस यहाँ पर वर्णन आता है कि बहुत सुंदर ध्यान बताया कि कैसे प्रभु का ध्यान करना चाहिए, प्रभु का पूरा रूप मन की आंखों से देखो और फिर देखो कि प्रभु आपको ही देख रहे हैं और उनकी आंखों में आपके लिए प्यार है, आशीर्वाद है और वो मुस्कुरा रहे हैं। तो जब ऐसे प्रभु के मुस्कुराते प्रेम भरे आंखों को आप देखते हो और ये भाव आपके अंदर जागता है कि प्रभु मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, ये बहुत अपने में ही एक दिव्य साधना है। ऐसा करते करते तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा और तुम जरूर ईश्वर दर्शन पाओगे, ऐसा आशीर्वाद भी दिया ध्रुव को। ये कहकर नारद जी चले गए और ध्रुव जी यमुना के तट पर मधुबन में बैठकर अपनी तपस्या शुरू की और घोर तपस्या में चले गए। कुछ दिन तो उन्होंने थोड़ा वहां जंगल में जो फल मिलते थे वो खाया, जल पिया, फिर फल भी खाना बंद कर दिया, कुछ महीनों के बाद पानी भी पीना बंद कर दिया और कुछ दिनों के बाद वायु तक, अपनी सांस तक को रोक लिया। प्राणायाम की इतनी प्रैक्टिसेस उन्होंने की जो उनको नारद जी ने सिखाई थी और अपने जब तक ध्यान की शक्ति से उन्होंने सारी इंद्रियों को जीत लिया और एक पांव पे खड़े होकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप किया।
और इतना घोर तप किया जब उनकी श्वास भी बंद हो गई और वो केवल अपने आत्मा में स्थिर होकर तपोबल में खड़े रहे, तब कहते हैं वहां पर देवता लोग घबरा गए, लोगों को सांस नहीं आ रहा था, क्योंकि ध्रुव जी की सांस रुक गई थी तो सृष्टि में एक उथल पथल मच गई। तब देवता लोग गए भगवान के पास कि क्या हो रहा है। तब भगवान मुस्कुराए, विष्णु भगवान मुस्कुराए, उन्होंने कहा मेरा एक प्यारा सा भक्त मुझे याद कर रहा है, अभी मैं जाऊंगा और उसको आशीर्वाद देकर इस घोर तप से हटाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा, वो बैलेंस एक बिगड़ रहा था। तब भगवान गए और भगवान ने ध्रुव जी को अपना दर्शन दिया और ध्रुव ध्यान में मस्त मग्न थे, समाधि लगी हुई थी। तो लेकिन भगवान जब सामने प्रत्यक्ष आकर खड़े हो गए तो अपने आप सहज भाव से ध्रुव ने आंखें खोली तो देखा ईश्वर मेरे समक्ष खड़े हैं। तो ध्रुव को समझ नहीं आया अब क्या करना है। नारद जी ने अब तक का मार्ग तो बताया था कि भगवान का ऐसे चिंतन करो, भगवान के लिए ऐसे तप करो, भगवान को याद करो, उनका चेहरा मन में लाओ, लेकिन जब भगवान सामने आ जाएंगे तो भक्त को साधक को क्या करना होता है ये तो ध्रुव को नहीं मालूम था। तो ध्रुव ऐसे समझ नहीं पा रहे थे कि मैं भगवान को क्या बोलूं, मैं क्या भगवान से मांगूं। हम भी सोच सकते हैं कि अगर अभी प्रत्यक्ष भगवान सामने आ जाए तो हम भगवान से क्या मांगेंगे, क्या कहेंगे भगवान से, कैसे भगवान से बात की जाती है, भगवान की प्रेजेंस में क्या हम हैं। तो भगवान ने देखा कि मेरा भक्त बहुत भूल भुलैया में चला गया है, तो भगवान ने अपना शंख उनके सर पे लगाया और उस शंख को सर पे आते ही ध्रुव जी का मन ऐसा विशाल हो गया, दृष्टि ऐसी साफ हो गई और सरस्वती जी आकर उनकी जिह्वा पे बैठ गई और ध्रुव जी ने बहुत सुंदर ईश्वर की स्तुति गाई, बहुत सुंदर ईश्वर की स्तुति गाई और ईश्वर को कहा कि मुझे बस जीवन में अब और कुछ नहीं चाहिए, आपका सत्संग, आपकी सानिध्य, आपके रूप को मैंने देख लिया, मुझे सब मिल गया। तो भगवान ने कहा हाँ, लेकिन मुझे तुम जिस संकल्प से इस तप में बैठे थे और तुम्हारे मन में जो गहरी इच्छा कच्छाप है वो मैं पूरी करूंगा तुम्हारी, तुम्हें इतना सम्मान मिलेगा और समय आने पर जो तुम चाहते हो कि इतनी ऊंची जगह पे तुम्हारा ओहदा इतना ऊंचा हो जाए, मैं तुम्हें वो लोक दूंगा जिस लोक तक कोई नहीं पहुंच पाता, तुम शिखर के लोक में, ध्रुव को कहते ना बहुत टॉप पे है गैलेक्सी में ध्रुव तारा, तुम्हें इतना ऊंचा लोक तुम्हें मिलेगा, लेकिन अभी तुम वापस अपने घर जाओ, अपने पिता के पास जाओ और वहां पर बहुत साल रहकर तुमको पिता राजा बना देंगे और बहुत साल तक शासन करना और भक्ति के साथ मेरे बताए हुए मार्ग में चलना और अपना भला है तुम्हारा हुआ, अब लोगों का भला करने जाओ। तो इसके बाद ध्रुव घर वापस आए। तो ध्रुव जब वापस आए तो आप हम इमेजिन कर सकते हैं कि अब कैसे सिचुएशन बिल्कुल बदल गई थी। तो सारे राज्य के लोग, पिता माता दोनों माताएं आई और इतना सम्मान दिया, बहुत सम्मान के साथ ध्रुव जी अपने घर वापस आए, बड़े हुए, पिता ने उनकी शादी भी की, उनकी दो संतान भी हुई और अब पिता ने देखा कि ध्रुव को सब बहुत प्यार करते हैं और ध्रुव भी सब पूरी प्रजा का इतना ध्यान रखते हैं, तो उन्होंने ध्रुव जी को वहां राज दे दिया और खूब वनवास में चले गए। तो कहते हैं कुछ हजार साल ध्रुव जी ने राज्य किया और बहुत ही यशस्वी सम्राट बने और उनका छोटा भाई उत्तम, उसको वो बहुत प्यार करते थे। लेकिन अब क्या हुआ,
इतने साल राजा बनकर राज्य करते करते वो 5 साल की अवस्था में जो प्रभु का दर्शन हुआ था, जो मन में प्रभु को पाने का भाव जागा था, वो एक कर्तापन के कारण वो भाव कहीं दब गया। और अब ध्रुव में क्या भाव था, मैं इतना बड़ा राजा, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मेरे राज्य में सब सुरक्षित है। तो कहीं उनका फोकस भगवान न रहकर खुद ध्रुव अपना फोकस बन गए थे। तो एक दिन क्या हुआ, उत्तम उनके छोटे भाई शिकार पे निकले तो वहां किसी एक यक्ष ने उत्तम को की हत्या कर दी। और जब ये खबर मिली ध्रुव जी को तो वो घोड़े पे सवार होकर गुस्से में क्रोध में आ गए कि किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे छोटे भाई की हत्या की। तो मैं और मेरा का भाव इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि विवेक खो गया उस भाव में। तो जाकर उन्होंने अनगिनत यक्षों का वध करना शुरू किया। इतनी गहरी लड़ाई हुई और कहते हैं बीच ही में लड़ाई के देवता लोग आए और उन्होंने एक नारायण अस्त्र दिया ध्रुव को, और उसने नारायण अस्त्र का भी इस्तेमाल करके जितने भी यक्ष थे सबको मार दिया। तब मनु जी आए वहां, जो ग्रैंडफादर थे, दादा थे ध्रुव के, उन्होंने आकर ध्रुव को बहुत समझाया कि तुमने इतना क्रोध क्यों किया, तुम तो इतने बड़े भगवान के भक्त थे, तुमने इतना तप किया और 6 महीने के तप में तुमने भगवान के दर्शन पा लिए, भगवान ने आकर तुम्हें आशीर्वाद दिया जो इतने सालों के जन्मों की तपस्या से लोगों को नहीं मिलता, वो पाने के बाद तुम इस तरह कैसे तुम्हारा पतन हो गया, क्रोध तो हमारा सबसे बड़ा बैरी है, तुमने ऐसा क्यों देखा, इतना मैं भाव में तुमने देखा और ये देखा कि ये मारने वाला है, ये मर रहा है, तुम जानते नहीं कि किसी की भी मृत्यु किसी और के हाथ है ही नहीं, मृत्यु केवल ईश्वर के हाथ में है, ये ईश्वर का किया हुआ कर्म है, और तुमने एक हत्या के कारण इतने यक्षों की हत्या की, तुम क्रोध को छोड़ो। और ये कुबेर जी के अनुचर हैं, डिसाइपल्स हैं यक्ष लोग, तुमने कुबेर जी को भी अप्रसन्न कर दिया है, तुम्हें उनसे माफी मांगनी चाहिए। तो ध्रुव जी का क्रोध शांत हो गया, अब वो अपने गलती को देखने लगे कि ये मेरे से क्या हो गया। और यहाँ कहानी पे मुझे एक बहुत जरूरी बात याद आ रही है कि जब वो 5 साल के थे, भगवान के दर्शन के बाद घर वापस आ रहे थे, तो कोई बहुत खुशी नहीं हुई ध्रुव को उस समय उनका माइंड इतना प्योर हो गया था। तो उन्होंने कहा कि मैं तो भगवान को मिला, तो मुझे भगवान को ये कहना चाहिए था कि मुझे आप अपनी भक्ति दो, पर मेरे अंदर ये भाव था कि मैं एक औहदा पाना चाहता था, तो मेरे भाव के कारण मेरे को मंजिल पे पहुंच कर भी मैं अभाव में ही रह गया। तब इतना विवेक था उस 5 साल के बालक में, उसे समझ आ गया था क्या चीज मांगने योग्य है और क्या छोड़ने योग्य है। लेकिन आज वही ध्रुव एकदम ये सारा विवेक और वो सब स्मृति में ही नहीं रहा। तब ध्रुव को वो सारी बातें याद आई कि मेरे से दोबारा मैंने कितनी बड़ी गलती की, मैं तुम जीवन मृत्यु मारने वाला, मैं ये इन सब अज्ञान में मैं ऐसा फंस गया, अब मुझे क्या दूसरा मौका मिल सकता है अपने जीवन को सुधारने का। तब वहां कुबेर जी भी आए और उन्होंने ध्रुव को आशीर्वाद भी दिया, और उनका आशीर्वाद पाकर ध्रुव अपने राज्य में वापस आए। और कुबेर जी से उन्होंने क्या आशीर्वाद मांगा, कुबेर जी से उन्होंने कहा मुझे एक ही आशीर्वाद दो, अब मैं कभी भी भगवान को ना भूलू, एक पल के लिए भी मैं ईश्वर को ना भूलू, मैं यही देखूं जो भी हो रहा है ईश्वर के द्वारा हो रहा है, केवल ईश्वर मेरे लिए कर रहे हैं,
तो जो वो अच्छा है बुरा है जो भी है वो मुझे खुशी ही दे। ये देखिए कितनी गहरी बात है, एक साधक के लक्षण है ये। साधक के जीवन में कोई आपत्ति भी आती है तो वो उसको एक अपॉर्चुनिटी बना लेता है, एक बहुत बड़ा अवसर बनाकर और आगे बढ़ जाता है अपनी भक्ति में, शक्ति में, श्रद्धा में। कोई भी समस्या आए और कुछ अच्छा होता है तो वो सबसे बांटकर उस अच्छे को भी और अच्छा बना लेता है, सबसे बांटता है, कभी अपने को अलग नहीं देखता। तो अब ध्रुव ने कहा मुझे कभी भी प्रभु की याद मेरे आत्मा में ऐसे बसा दो। ये आशीर्वाद लेकर फिर ध्रुव जी वापस गए और बहुत देर तक उन्होंने अपना राज्य पाठ किया, सब काम किए, लेकिन मन केवल ईश्वर में जोड़ा। और फिर एक समय आया जब उनके बेटे बड़े हो गए तो ध्रुव जी जंगलों में वनवास लेना चाहते थे, लेकिन इस बार वनवास उन्होंने कहाँ बिताया, बद्रिकाश्रम, बद्रीनाथ जी धाम में गए और वहां पर उन्होंने सब प्रयत्न छोड़ दिए और समाधि में लीन होकर ईश्वर के वियोग में, तप में कुछ अरसा बैठे रहे। और थोड़े ही दिनों के बाद कहते हैं भगवान ने अपने दो पार्षद, प्रिय पार्षद नंद और सुनंद भेजे ध्रुव जी को और कहा कि उन्हें अब आप मेरे लोक में ले आओ। और नंद और सुनंद के साथ उनके सुंदर विमान में बैठकर ध्रुव जी ने अपनी मृत्यु के सर पे पांव रखा और उस विमान में बैठे तो एकदम उनके मन में विचार आया, लेकिन मेरी माँ सुनीति वो तो अकेली रह जाएंगी। लेकिन जैसा ही उन्होंने सोचा तो नंद और सुनंद ने दिखाया कि ये हमारे सामने एक और विमान है, वो भी भगवान ने भेजा है, देखो उनमें आपकी माँ बैठी है। तो ये बहुत सुंदर स्टोरी है और प्रभु ने अपने लोक में, वैकुंठ लोक में ध्रुव जी को स्थान दिया और ध्रुव लोक में उनकी स्थापना हुई, जो कहते हैं कल्पों तक वो उसका नाश नहीं होता, वो वैसे ही बिना डिस्टर्बेंस के, बिना मूवमेंट के हम सब के लिए एक गाइडिंग लाइट बनके हमेशा वर्तमान में रहते हैं। तो ये जो स्टोरी है इसमें कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी? बहुत ही अच्छी दीदी, बहुत ही अच्छी, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो जो एक भक्त होता है, साधक है, वो अपने कुल का कैसे तार करता है। जरा सा थॉट भी आया उनको अपनी माँ का तो माँ का विमान तो भगवान ने पहले उड़ाया, माँ को साथ लेके ध्रुव गए हैं। तो इसीलिए आपके घर में आपकी संतान अगर ऐसे भक्ति में हो तो वो संतान भी आपका गुरु बन जाती है, आपकी गाइडिंग लाइट बन जाती है। तो ऐसी प्रेयर हम सब के मन में होनी चाहिए कि हम जो संसारी लोग हैं, देखो संसार बहुत सुंदर है, भगवान ने बनाया है ना, तो संसार में रहकर ही ईश्वर को पाना और भी सुंदर है। संसार को छोड़कर जो ईश्वर को पाते हैं उससे भी कहीं मुझे सुंदर लगता है कि आप संसार में रहो, संसार के सब सुख भोगो, सारे कलर्स को एंजॉय करो, सारी फ्लेवर्स को एंजॉय करो, लेकिन भगवान को भूलना नहीं, हर समय भगवान की ब्लिस में जब कनेक्टेड हो जाते हैं तब देखते हैं कि हम कितने प्रसन्न रहते हैं और जो हमारे पास भी आता है वो प्रसन्नता की वाइब्रेशंस हम दूर दूर तक फैला सकते हैं। और जहां प्रसन्न लोग रहते हैं ना वहां ना बीमारी आती है ना ही कोई कमी आती है। हमारा प्रसन्न चित्त जो है
ये सबसे बड़ी सबसे बड़ा धन है हमारा। आज मैं आपसे एक बड़ी सुंदर एक बहुत प्यारी बात शेयर करना चाहती हूँ कि आज का जो हमारा भागवतम है इसमें हमारे साथ एक डिवाइन गेस्ट आए हुए हैं, वो हमारे गणपति जी जिनको मैंने इनवाइट किया था सैटरडे इवनिंग, वो हमारे घर में आकर मैंने उन्हें इनवाइट किया था क्योंकि संडे को ऐसे आप लोगों को अभी सविता जी ने बताया कि मेरी डॉटर की शादी हुई तो गणपति जी को बुलाते हैं। तो गणपति जी अभी भी विराजमान है जहां मैं बैठकर भागवतम अभी कर रही हूँ। तो भगवत मैंने आशिमा जी से अभी यही शेयर किया कि आज की भागवतम गणपति जी भी सुनेंगे तो हम सब ने गणपति जी के साथ बैठकर ये भागवतम सुनी है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि सबको गणपति जी बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि मैं आपको अपना अनुभव शेयर नहीं कर सकती हूँ कि किस प्रसन्नता से हमने ऐसे समय में भी ये विवाह एक दिन के नोटिस में, आप इमेजिन कर सकते हैं कि बस एक दिन के नोटिस में संडे को मैंने बेटी की शादी की और आज मैं फिर आप सबके साथ यहाँ बैठी हुई हूँ, गणपति जी बैठे हुए हैं। तो मैं चाहूंगी कि आशिमा जी गणपति जी को एक भजन भी सुना दें। आशिमा जी हेलो। हाँ जी हाँ, मैंने कहा गणपति जी को एक भजन भी सुना दो। हाँ जी मैंने सुना, मेरे को तो ये छोटी सी चैंट अच्छी लगती है। हाँ सुनाओ। ओम गण गणपति नमः, 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 ओम गण गणपति नमः। हम जितने भी लोग इस सत्संग में अभी बैठे हैं सब अपने मन को खाली कर दो, जो भी प्रॉब्लम्स हैं इच्छाएं हैं सब भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। आने वाले कुछ दिन और हम भागवतम की कुछ स्टोरीज और सुनेंगे और इसके गुणों से अपने जीवन को भर लेंगे। और अभी सत्संग के बाद मैं अपने परिवार के साथ गणपति जी को विदा करूंगी और आप सबकी तरफ से गणपति जी को बहुत थैंक्स करूंगी कि उनकी ग्रेस है हम लोगों की लाइफ में और हम सब इतने सुंदर इतने दिव्य पल एक दूसरे के साथ बिता रहे हैं। तो आज के लिए बहुत है, कोई और भजन गाना चाहता है तो प्लीज कम फॉरवर्ड, वी कैन हैव वन मोर भजन बिफोर वी पार्ट। दीदी मैं थोड़ा सा गाना चाहूंगी, मुझे थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है। प्लीज 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 गाइए प्लीज। नैनाकड़े सावरिया प्यारे से मैं जपूं हरि हर हरे, नैना लड़े सावरिया प्यारे से मैं जपूं हरि हर हरे, तुझे रिझाऊं हरि गुन गाऊं करम है मेरे कटे,
लेना लड़े सवरिया प्यारे से मैं जपू हरी हर हरे गीत प्यार से भरी काया जब तेरे दर्शन करे गीत प्यार से भरी काया जब तेरे दर्शन करे तन मन हुआ है मेरा पावन भाग्य है मेरे जगे नैना लड़े मर लिया प्यारे से जब हरे हर हरे बड़े भाग्य से नर्तन पाया माटी में ना रोवे बड़े भाग्य से नर्तन पाया माटी में ना रोले मन की मैली गागर को तू प्रभु नाम से धोले मन की मैली गागर को तू प्रभु नाम से धोले बेड़ा लगेगा भव से पार जब मन बोले हरे 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 बेड़ा लगेगा भव से पार जब मन बोले हरे 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 नैना लड़े सवरिया प्यारे से जपो हरे हर हरे वेरी नाइस जय गुरुदेव जय गुरुदेव मैं भी थोड़ा सा गाना चाहूंगी जरूर मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है लफ्जों का टोटा है जिक्र प्यारे का अशकों से होता है तूने झट पहचाना दीवानों में था मैं सबसे दीवाना मन का दर्पण मांझा मन का दर्पण मांझा एक दिखे दोनों जो हीर वही रांझा एक दिखे दोनों जो हीर वही रांझा तू कितना प्यारा है तू कितना प्यारा है चांद कहे तुझसे तू चांद हमारा है चांद कहे तुझसे तू चांद हमारा है ये मेरी है मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है Beautiful, very nice. Thank you, all of you. We'll meet Thank tomorrow. Congratulations, Mamta. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Dhanyavaad, Mamta ji. Bahut bahut shukriya. Thank you. Thank you so much. Dhanyavaad, Didi. Bahut bahut shukriya. Thank you. Thank you so much. Jai Gurudev. Thank you. Thank you.
हेलो।